डियर स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी, और हमने ये डिस्कस किया कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एम्पावरमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पॉवर्टी एलिवेशन. फिर हमने डिफरेंट सोशल इंडिकेटर की बात की, फिर हमने पॉलिटिकल इंडिकेटर्स की बात की, फिर हमने इकोनॉमिक परस्पेक्टिव डिस्कस किए कि किस तरह पॉवर्टी एलिवेशन हो सकती है. तो इसके लिए एक कौन सा कंप्रीहेंसिव डिज़ाइन है जिसको अगर लॉन्च कर दिया जाए तो पॉवर्टी एलिवेशन की जा सकती है. इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 2000 में एक मॉड्यूलर अप्रोच लॉन्च की थी कि किस तरह हम मैक्सिमम लोगों का रिस्क मिनिमाइज करके पॉवर्टी को कम कर सकते हैं और किस तरह उसके रिस्क को कंट्रोल करके सोसाइटी में इक्विटेबल एक इन्वायरमेंट के जो रिच है वो रिचर ना हो, जो पुअर है पुअर ना हो, उनका एक गैप किस तरह कम हो सकता है. उसके लिए उसने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लॉन्च की हुई हैं. नंबर वन पे उसने कहा कि यू हैव टू लॉन्च सम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ सबसे बड़ा रिस्क है. तो वो कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को इंश्योर कर दिया जाए जिससे लोगों की हेल्दी लाइफ होगी. जब लाइफ हेल्दी होगी आउटपुट भी यकीनन बेहतर होगी. जब आउटपुट बेहतर होगी तो उनकी इनकम भी बेहतर होगी. जब इनकम बेहतर होगी तो पॉवर्टी कंपैरेटिवली कम होगी. इसलिए कहता है नंबर वन, यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द हाउस होल्ड एंड हेल्थ हाउस आउटकम ऑफ द कम्युनिटी. नंबर वन. नंबर टू, ओल्ड एज असिस्टेंस एंड पेंशन, कि जो ओल्ड एज में लोग हैं दे आर वल्नरेबल पोर्शन इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी. तो जो ओल्ड एज में होते हैं उनको आपने सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है फाइनेंशियली भी एक इकोनॉमी पे. तो उसको किस तरह आपने मिनिमाइज करना है उसके लिए कोई भी सोशल सेफ्टी नेट जो है वो लॉन्च हो सकता है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको इनकम में प्रोटेक्शन दे दी जाए. क्योंकि जिस वक्त लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो अनएम्प्लॉयड जो है ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है सोसाइटी पे, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा पॉपुलेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो जाता है. अब किस तरह उन लोगों को इनकम में आपने सिक्योरिटी देनी है उसके लिए कुछ ना कुछ वो हो. देन वर्कफेयर प्रोग्राम एंड सोशल फंड्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएँ. और उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेट्स माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, के स्टेट जो है ये लोगों को माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके दे. माइक्रो फाइनेंस के हर इंडिविजुअल माइक्रो लेवल की एंटरप्राइज डेवलप करे, हर एंटरप्राइज चंद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे. उस एम्प्लॉयमेंट से एक एंटरप्राइज का कल्चर डेवलप होगा जो अगले स्टेप पे एक बड़ी एंटरप्राइज बन के उस कंट्री की ग्रोथ को वो स्टेबल कर सकता है. देन देर आर सम कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड पॉवर्टी गैप, कि कितना पॉवर्टी गैप एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग कैश ट्रांसफर कर दी जाए ताकि लोगों की इनकम पहले से बेहतर हो जाए. लेकिन साथ ही ये कहता है कि ये जितने सेफ्टी नेट्स हैं, ये जितने इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये जितने सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, इन सब को उस वक्त तक हम लॉन्च नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस कंट्री का कंप्लीट प्रोफाइल ना हो. क्योंकि जब कंप्लीट प्रोफाइल होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लोग कहाँ से लैग कर रहे हैं. क्या एजुकेशन में लैग कर रहे हैं तो एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा. हेल्थ के इश्यूज हैं तो हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा. अगर स्किल का प्रॉब्लम है तो स्किल पे फोकस करना पड़ेगा. अगर लोगों जिस टाइप का इशू होगा उस पे फोकस करके उसको ओवरकम करके लोगों की लाइफ को स्टेबल किया जा सकता है. और उसके लिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि हर कंट्री का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी होगी. और ये जितने कंट्रीज होंगी हर एक का डिज़ाइन डिफरेंट होगा, हर एक के लिए पॉलिसी डिफरेंट होगी, हर एक के लिए इनिशिएटिव डिफरेंट होगा, हर एक के लिए इंडिकेटर डिफरेंट होंगे. तो इसलिए हर कंट्री की नेचर डिफरेंट है. लाइक अफ्रीका में अगर पॉवर्टी एलिवेशन करनी हो तो वही पॉलिसी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती, या पाकिस्तान में जिस पॉलिसी से पॉवर्टी कम हो जाए वही पॉलिसी जो है वो बांग्लादेश में कामयाब नहीं हो सकती, और जो बांग्लादेश के लिए कामयाब है वो चाइना में कामयाब नहीं हो सकती. हर कंट्री के सरकमस्टेंसेस चेंज होते हैं और हर कंट्री के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसके लिए थिंक टैंक को मिल बैठना होगा और मिल के एक स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी होगी जो उस कंट्री के लिए फेवरेबल होगी.